फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए थे ना इस एसी को लेके कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता है, कूलिंग नहीं देता है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बेकार एसी है, एलजी कभी मत लेना। तो इतने सारे कमेंट ऐसे आए जो मतलब नेगेटिव कमेंट्स थे, और बिल्कुल मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो क्या है। तो पहली बात, मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, वो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होती, जो भी निकलता है एकदम दिल से निकलता है। तो पहले मैं आज इस वीडियो को दो भाग में डिवाइड करता हूँ। पहले इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो मेरे साथ दिक्कतें आई इस एसी को लेके, ठीक है, इंस्टॉलेशन से लेके सारी दिक्कतें बताऊँगा। और दूसरी वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका एसी मतलब कहाँ से क्या दिक्कत हो सकती है, एसी में पाइप बेंट कहाँ से हो सकती है, ऐसी सब कुछ सारी दिक्कतें मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने डायग्नोस करना है इस अपने एसी को लेके। तो पहले मैं अपना बताता हूँ इसमें क्या क्या दिक्कतें आई। तो सबसे पहले दिक्कत आई थी कि एसी को लगवाएं कहाँ। तो पहली दिक्कत तो यही आती है कि लगवाना कहाँ एसी। देखिए, जैसे ये मेरा रूम है, रूम के अगर आप बीचों बीच लगवा लेना एसी को तो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जैसे ये मेरा रूम है तो मैं इस एसी को यहाँ पे लगवा सकता था, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे घर है, ठीक है, तो वहाँ पे पाइप निकालनी पड़ती पीछे से। और अगर पाइप यहाँ से ही निकालनी पड़ी, यहाँ से निकालनी पड़ती, तो ऐसे पाइप लेके जानी पड़ती इस तरीके से, जो कि बुरी लगती। और जो वो पाइप है वो मतलब उसमें पानी कंडेंस्ड हो जाता है पाइप में, और वो कई बार क्या होते हैं उसमें से पानी टपकने लग जाता है, अगर ढंग से सील्ड ना हो पाइप। वो भी मैं आपको कवर करूँगा। तो सबसे पहली दिक्कत तो यही रहती है लोगों को कि एसी लगाए कहाँ। तो मैंने चूज़ किया यहाँ पे लगा दो भैया एसी, तो चलो ठीक है। और दूसरी दिक्कत आती है इंस्टॉलेशन की, और ये एलजी वाले भाई इंस्टॉलेशन भाई उनको कह के करवानी पड़ती है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, मतलब खुद से करते ही नहीं है ढंग से। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दो स्क्रू आप देख रहे होंगे, एक वहाँ पे एक वहाँ पे, अपनी मर्जी से ही उन्होंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, हमसे कुछ नहीं पूछा, लगाने लग गए बस स्क्रू में। भाई ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो बोला कि यहाँ पे स्टेबलाइजर लगेगा। बोला भाई स्टेबलाइजर को बाहर लगवाना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगवाना स्टेबलाइजर को। तो हमने बाहर लगवाया स्टेबलाइजर, खुद से ही उन्होंने यहाँ स्टेबलाइजर के लिए स्क्रू लगा दिए, ठीक है। और स्टेबलाइजर लगाते भी कहाँ, यहाँ लगाते स्टेबलाइजर तो एसी पहली जगह वहाँ पे कम है, तो इसको एसी को थोड़ा और उस साइड सरकाना पड़ता, या तो स्टेबलाइजर नीचे हो या ऊपर हो। अब इतनी ऊपर तो एसी लगाया नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे लगाने लग गया अपनी मर्जी से। तो ये आपने देखना है कि आपके मुताबिक एसी वाला जो बंदा है जो आया है वो काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो पहली दिक्कत तो यही थी कि स्क्रू लगाने लग गया। अब दूसरी दिक्कत मैं आपको चल के दिखाता हूँ, बाहर बाहर चलते हैं। तो अभी जो है रात का समय है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो स्टैंड जो एलजी की तरफ से ही आते हैं ये स्टैंड। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे लगवाएंगे अपने आउटडोर यूनिट को, तो हमने यहीं पे लगवाया आउटडोर यूनिट को। और जो पाइप आती है ना वो ऐसे सर्कल में आती है, तो वो सर्कल में ही थी पाइप पूरी, तो बस जो बेंट थी मतलब हमें मोड़ी थी जो पाइप, वो सिर्फ यहाँ से लेके और इसके रूम तक जो पाइप गई थी ना उतनी पाइप स्ट्रेट की थी, बाकी जो पाइप थी वो सर्कल में ही थी फिलहाल। तो यहाँ पे एसी लगा हुआ था, कूलिंग एकदम ज़बरदस्त थी भाई, ज़बरदस्त कूलिंग थी उस टाइम। और जो आपको पता ही होगा कि जो आउटडोर यूनिट है उसकी जो हीट है वो यहाँ पे आती थी भाई, पूरे यहाँ पे एकदम हीट हो जाता था पूरा सिस्टम, और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे फुल गर्मी हो जाती थी। तो इस चक्कर में हमने क्या किया कि ये इस एसी को वहाँ पे शिफ्ट करवाया। और जो अब देख सकते हैं कि ये स्टैंड जो है यहाँ पे नहीं लग सकते हैं, तो इसके लिए अलग से स्टैंड बनवाना पड़ा, इसका खर्चा अलग आया, ठीक है। और ये स्टैंड भी उन्होंने वापस नहीं लिए, हम कह रहे थे कि भाई वापस ले लो इनका, हम क्या करेंगे। और इनके अलग से चार्ज लिए थे उन्होंने कि भैया ये तो अलग से ही चार्ज लगता है, लेकिन जब वापस लेने की बारी आई तो बोले भैया एक बार ही यूज़ होते हैं। अब भाई इनके क्या लग गया, दो तीन स्क्रू ही तो टाइट किए हैं, ये वापस नहीं लिए उन्होंने, ठीक है। और फिर हमने ये लगवाया, और फिर क्या किया उन्होंने, फिर देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये पाइप है ना, ये पाइप यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और एक इंस्ट्रूमेंट आता है पाइप बेंट करने का, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, हाथ से ही मोड़ देते हैं। तो यहाँ से गई पाइप, यहाँ से भी उन्होंने हाथ से ही मोड़ा, कितनी पाइप मुड़े यहाँ से देख पा रहे होंगे,
कितनी भी पाइप मुड़े तो उनको कोई लेना देना नहीं है भाई, नुकसान तो अगले बंदे का ही होगा। तो यहाँ से पाइप हाथ से ही मोड़ दी और वहाँ से भी पाइप मोड़ दी हाथ से। वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी तो ठीक है वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन जो एसी में ऊपर तक जा रही है ना वो ब्लैक ब्लैक सा कवर दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे पाइप जो है उन्होंने ऐसे ही घुसा दी। बस घुसानी है मोड़ तोड़ के, बेशक पाइप बेंट हो ना हो, ऐसे मोड़ तोड़ के उसने घुसा दी उसमें और लगा दिया एसी हमारा। फिर मैंने नोटिस किया भाई जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से कम नहीं जा रहा भाई। तो लोग कहते हैं 26 डिग्री से कम नहीं जाता, कोई 24 डिग्री से कम नहीं जाता, मेरा 27 डिग्री से कम ही नहीं गया टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी लेवल इतना था भाई तो पूछो मत। और मैंने जो इसका ऐप आता है स्मार्ट डायग्नोसिस का वो रन किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और ये कंफ्यूज ना हो कि वो ठीक दिखाता है स्मार्ट डायग्नोसिस, ऐसा कुछ नहीं है, गलत दिखाता है भाई वो, उस पर विश्वास ना करें। आप खुद से चेक करें एक बार, पहले तो वही चेक करें स्मार्ट डायग्नोसिस, उसमें दिक्कत आती है तो दिक्कत है ही, उसमें नहीं दिक्कत आती है स्मार्ट डायग्नोसिस तो भी दिक्कत हो सकती है, मेरे केस में भी यही था। तो इस तरीके से उन्होंने पाइप लगाई और ऐसे घुसेड़ दिया पाइप, ठीक है, तो कूलिंग आनी बंद हो गई भाई, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि नया नया एसी आता है, पहला एसी है घर में तो परेशान हो जाता है, हर कोई परेशान हो जाता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एसी के जो कैसे काम करता है एसी पूरा उसको समझा मैंने, क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे ये हमारा कंडेंसर होता है पीछे पूरा, मतलब फ़ैन वैन जो अंदर है हमारा, इवेपोरेटर, पूरी प्रोसेस समझी मैंने कैसे काम करता है। फिर मुझे पता लगा कि अगर फ्लो में ही गड़बड़ हो ना, जो फ्लो होता है रेफ्रिजरेंट का उसमें ही गड़बड़ हो तो आपका एसी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो मैं सोच रहा था कि इसमें चेंजेस, देखिए यहाँ पे एसी लगा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल मस्त हवा दे रहा था, यहाँ से उठा के वहाँ लगाया तो चेंजेस कहाँ कहाँ किए, सिर्फ पाइप में ही तो चेंजेस किए हमने और तो चेंजेस किए ही नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कि पाइप चेंज देखना, हमें कैसे पाइप चेंज किए। अब देखिए ये फोम की पाइप है तो मैं इसको दबाता हूँ तो फील होती है पाइप, ये देखिए मैं फोम को दबा रहा हूँ तो फील हो रही है पाइप, ठीक है। अब यहाँ से फोम को दबाता हूँ फील हो रही है। तो मैंने क्या किया था कि जैसे पाइप आ रही है ना तो यहाँ से एक बेंट यहाँ पे पाइप का देखो, ठीक है, तो यहाँ से मैंने फील करके ऐसे देखा। और पहली बात जो ये कवर है ना, ये कवर मैंने बाद में लगवाया है, ये वाला कवर मैंने बाद में लगवाया है, और इसके पहले कवर आता है एलजी का थोड़ा मोटा कवर आता है तो वो बिल्कुल भी ना लगवाएं, ठीक है। आप अलग एक फोम आती है वो आप लगवाएं, उससे ज़्यादा अफेक्ट, मतलब अच्छे से आपको क्या कहते हैं उसे, इंसुलेशन देगा, ठीक है, जो आपकी ठंडक है वो बाहर रिलीज़ नहीं होगी पाइप के थ्रू। तो इस तरीके से मैंने जो है चेक किया ऐसे दबा दबा के। अब यहाँ पे एक बेंट है, दूसरा बेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा और फील हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरी बार मैंने चेक किया वहाँ पे और चौथी बार चेक किया, जब वहाँ पे चेक किया ना तो नीचे एकदम ऐसे किया तो इतना हाथ दब गया मेरा, पाइप इतनी है और मेरा हाथ दब गया इतना, जैसे मैं दबा रहा हूँ देखिए, ऐसे दबा के देख रहा हूँ तो इतना हाथ दब गया। यहाँ पे पतली पाइप भी है मोटी पाइप भी है, ठीक है, पहले अलग अलग थी, पहले ऐसे पता चल जाता था अलग अलग, अभी तो सेम है। तो वहाँ पे जब मैंने चेक किया ना ऐसे तो इतना हाथ दब गया तो मुझे गड़बड़ लग गई भाई, यहाँ से पाइप बेंट है। और मैंने फिर एसी वालों को बुलवाया तो पहले तो उन्होंने चेक किया एसी को, उन्होंने चलाया फैलाया एसी, बोले बिल्कुल ठीक है एसी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोला भाई रुक जाओ दो मिनट, इसका टेम्परेचर तुम 27 से कम करके दिखा दो बस मैं मान जाऊँगा। तो 27 से उन्होंने बिल्कुल ही, मतलब जो हिमालय कूल फंक्शन होता है वो उन्होंने यूज़ किया और टेम्परेचर जो है 26 तक आ गया, वो भी लगभग पौने घंटे में 26 तक आ गया, तो इतना वेट भी नहीं करते वो। तो मैं बोला कि भाई देख लो पौने घंटे में इतना टेम्परेचर आ रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पाइप बेंट है, फिर बोले अच्छा ठीक है चलो देखते हैं पाइप बेंट है, तो उन्होंने फाड़ दिया पूरा वो ऐसे। तो वहाँ से देखा भाई पाइप जो है बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे बेंट कर रखी है पाइप, और जो फ्लो है एकदम मान के चलिए 10% फ्लो रह गया था उसके अंदर से। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पाइप बेंट है, तो वो बोले कि अच्छा हाँ ये गड़बड़ हो सकती है। तो मैं बोला कि वही सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बताओ, बोला कि पाइप पूरी चेंज करवानी पड़ेगी। फिर बोला कि इसके अलग चार्जेस लगेंगे। फिर मैं बोला भाई मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो इंस्टॉल नहीं की, आप ही ने इंस्टॉल की तो आपको देने चाहिए चार्जेस। बोला नहीं हमारी तरफ से ये इंक्लूड नहीं होते चार्जेस, ये आपको ही देने पड़ेंगे। बोला चलो भाई सहन कर लेते हैं ये भी,
कम से कम थोड़े से पैसे और लग जाएंगे, कूलिंग तो बेस्ट मतलब ठीक आएगी। तो फिर क्या किया, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया इंटरनेट पे, खुद ही सर्च किया। फिर मैं बोला कि वेल्ड हो सकती है क्या पाइप, फिर बोला कि हाँ वो जो गैस है वो थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी वहाँ से और फिर पाइप काट के फिर वेल्डिंग करनी पड़ेगी। फिर मैं बोला कि भाई पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता देते। फिर मैं बोला कि ऐसे ऐसे करके वेल्ड ही कर दो इसे। फिर बोला कि चलो ठीक है वेल्ड करके देख लेते हैं। उनको वेल्डिंग भी नहीं आती थी जो बंदे आए थे, तो उन्होंने एक बंदे को और बुलाया जो वेल्डिंग करके मतलब वेल्डिंग जिसको आती थी। तो आया बंदा और फिर उन्होंने वेल्डिंग की प्रॉपर, गैस वैस उन्होंने पहले बंद करनी पड़ती है, नहीं तो सीधी आप काट देंगे तो सारी गैस जो है वो लीक हो जाती है। तो पहले उन्होंने गैस बंद की वहाँ से ऐसे होते हैं, ठीक है, वहाँ से गैस बंद की। फिर उन्होंने पाइप काट के वेल्डिंग करके अच्छे से वेल्डिंग की, मैंने देखी बिल्कुल अच्छे से वेल्ड करके उन्होंने लगा दिया। और फिर चेक किया भाई एसी का टेम्परेचर, भाई कम मतलब इतनी ज़बरदस्त कूलिंग आई ना ये ठीक कराने के बाद, मैं बता नहीं सकता आपको। तो इतनी ज़बरदस्त कूलिंग आई, तो अब जो है एसी मेरा बिल्कुल ठीक है और ज़बरदस्त कूलिंग ये अभी तक दे रहा है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो आपके केस में भी ऐसी दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि अब देखिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल ढाई मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी में दिक्कत आ गई। अब जो बंदे रहते हैं मतलब जिनका डिस्टेंस मतलब दो मंजिला ऊपर है या फिर एक मंजिला ऊपर है, ठीक है, तो उनके तो दिक्कत आनी आनी है भाई। और कोशिश करें कि जो इस पाइप को है वो लेवल में रखें ऐसे, ठीक है, हो सके तो एक छत ऊपर लगवाएं आउटडोर यूनिट को। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे रहते ग्राउंड फ्लोर पे और आपने तीसरी मंजिल पे आपने आउटडोर यूनिट फिट करवाया है, इतनी लंबी पाइप ले जा रखी है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो चुकी है और इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे करना है, मतलब कैसे पता करें कि आपकी पाइप में ही गड़बड़ है या क्या गड़बड़ है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये इसी वीडियो में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।